कंडेला गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला आज शाम को कंडेला गांव के ऐतिहासिक चबूतरे पर पहुंचे, जहां कंडेला ग्राम पंचायत और जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा उसका जोरदार स्वागत किया गया। डिजिटल लाइब्रेरी व कृषि प्रयोगशाला वाली पहली खाप बनेगी कंडेला। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कंडेला गांव में ग्राम पंचायत व जननायक जनता पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने कहा कि नरवाणा क्षेत्र के कई गांव में पहले से ही चल रही चौपालों में पुस्तकालय बनाए गए हैं। इसी प्रकार कंडेला खाप के चबूतरे पर भी डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जानी चाहिए। इसके अलावा यहाँ किसान प्रयोगशाला भी बनाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कि कंडेला पहली डिजिटल लाइब्रेरी व किसान प्रयोगशाला वाली खाप बने। उन्होंने कहा कि खापों के बारे में नकारात्मक प्रचार हुआ है, लेकिन खापों ने बुराइयों को समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई है। कंडेला की इस पावन धरा पर आया, बढ़ चढ़ कर आपने प्यार भी देने का काम किया है, मान सम्मान भी देने का काम किया है, और मेरा भी सौभाग्य रहा है कि एक परिवार की तरह जब मेरा लोकसभा क्षेत्र भी यहाँ से 2-3 किलोमीटर पे शुरू हो जाता है और अब विधानसभा भी वही 2-3 किलोमीटर पे, क्योंकि उजाड़ा हिसार लोकसभा का पार्ट। मगर जब भी मैं शाहपुर प्रोग्राम शुरू करने जाता था तो आप लोग बीच में कोई ना कोई एक दो चाय का प्रोग्राम जरूर रखे मिलते थे, और जब वापिस जीत की तरफ जाते थे प्रोग्राम करके तब भी, और मुझे भी कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे इलेक्टेड राजनीतिक क्षेत्र फल से बाहर खंडेला है। हमेशा उसका हिस्सा बनकर आपने प्यार दिया। काम की जब बात आई तो जो मेरे आगे आज तक आए उनको भी प्राथमिक तौर पर हमारा प्रयास रहा है कि हम पूरा करने का काम करें। बिल्कुल 2 साल से आना जाना नहीं हुआ क्योंकि कोरोना की महामारी थी, उसके बाद किसान आंदोलन और फिर कोरोना आपके बीच में। मगर अब जब सारे गांव के मुख्य साथीगण मिले और ये आग्रह किया कि प्रोग्राम किया जाए, तो मैंने सबसे पहले कहा कि अब उचाड़ा 5 और 20 का फिक्स है, 20 तारीख को मैं आऊंगा और शाम को कंडेला होता वजी में। और मैं आगे भी कोशिश करूंगा कि जब भी अलेवा ब्लॉक का प्रोग्राम हो तो हमारे यहाँ जितने भी खाप के गांव है, जीत की खास तौर पर जीत शहर से और उचाड़ा के बीच वाली बेल्ट, इनको भी अब मैं जिला अध्यक्ष राठी जी की भी ड्यूटी लगाऊंगा कि रेगुलरली प्रोग्राम बना के कार्यकर्ताओं से भी मिलते रहे और संगठन को भी मजबूत करें। एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आप सब ने मिलकर इतना सुंदर, और मैं भी पूछ रहा था कि इस भवन का उपयोग कैसे करोगे, तो अलग अलग सुझाव आए, ग्राम सचिवालय बनेगा, लाइब्रेरी बनाने का मन है, ये कई चीजें हैं जो हम सोचते नहीं गांव में जरूरी है, गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी है, मगर इसका लाभ जरूर बड़ी मात्रा में मिलता है। और मैं तो चाहूंगा भारत भूषण सिंह जी बैठे हैं, हम त्यागी जी, इनका भी हम उपयोग ले। इस भवन के अंदर ही कमरे हम बनवा देंगे, मगर कैसे जैविक खेती पे, कैसे किसान को और मजबूत करने पे, चाहे सोयल टेस्टिंग लैब हो, अगर हम इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, मुझे नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर खाप में दानवीरों की कमी है। पशुओं वाली कोई लैब लगवानी है तो मेरे ख्याल से लक्ष्यवाड़ों की ड्यूटी लगा देंगे, वो अपने CSR से लगा देंगे। और कोशिश करो, राजनीतिक भाषण तो पुराने चबूतरे पे भी हो जाएगा, मगर इतना भव्य प्रांगण जब बनाया है, कोशिश करो कि जो चीज गुड़गांव में नहीं बन पाई टेस्टिंग लैब, जो चीज दिल्ली में है पूसा में, उन चीजों को भी हम इस कॉम्प्लेक्स में ला कर दिलाए। और पूसा से भी टाइप कराना होगा तो मैं स्वयं चल के टाइप भी कराऊंगा और वो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बना देगा, जिससे खेती बाड़ी से जुड़े
हर व्यक्ति का भला भी होगा, उसको लाभ भी होगा। एक बात प्रधान जी ने रखी है और मैं उसको पूरी सहमति देता हूं, वो है कि ये जो हमारे गांव है इनको अलेवा में जोड़ दिया, जबकि अलेवा यहाँ से 15 मिनट दूर है और दीद यहाँ से 5 मिनट दूर है। अब ये जोड़ा किसने? दुष्यंत ने तो जोड़ा नहीं, मगर अगर आप सारे गांव की तरफ से हमें लेटर दे देंगे तो वापस इसको जींद में जुड़वाने का काम है जरूर, क्योंकि इसको तो रेवेन्यू स्टेट को बदलना, उस कमेटी का चेयरमैन मैं हूं और उसके अंदर प्राथमिक तौर पे जिस दिन आपकी फाइल आ जाएगी मीटिंग बुला के इसको जरूर हम वापस जोड़ेंगे, क्योंकि 2 किलोमीटर और 20 किलोमीटर में आम आदमी को सबसे ज्यादा मार पड़ती। जींद में तो फिर भी कोई अधिकारी बैठा मिल जाएगा, अलेवा के अंदर तो ये दिक्कत है कि उचाणा का एसडीएम अलेवा बैठता है वो नहीं मिलेगा, और गांव में तहसीलदार बैठ के राजी को नहीं, बीडीओ जो है वो दाएं बाएं गायब रहता है, वैसे कमी इतनी है, और इन सारी चीजों की वजह से मार पड़ती है आम आदमी को गरीब। एक चीज और, प्रधान जी लेके तो आए थे कागज और वापिस आके मेरे को दे दिया कि गांव की समस्या कई ऐसी है कि 11 इतने समस्या बताई है जिसके अंदर कई तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी इन प्रोग्रेस है, जैसे जोड़ के रिटेनिंग वॉल का काम 800 करोड़ रुपए पॉन्ड अथॉरिटी में हमने पहले ही दे रखे, और अब पूरे हरियाणा के 14,000 तालाबों को सुंदर बनाने का काम हमने शुरू कर रखा है। एक दिन में तो सारे तालाब भी हो, पर हमारा टारगेट है अगले 1.5 साल के अंदर प्रदेश के तमाम तालाबों को और सुंदर बनाकर गौ घाट जैसी फैसिलिटी भी उनके अंदर दिलवाने का काम। जहां फिरनी पक्की होने की बात है, एक फिरनी तो आपकी नेशनल हाईवे ने पक्की करी थी, अब बची जो है, मैं ये सारी की सारी एसडीएम साहब भी होंगे, मैं उनको ये जिम्मेवारी देता हूं कि आपके गांव के लोगों के साथ इन 11 की 11 मांगों की फिजिबिलिटी भी चेक करा लेंगे और जो जो फिजिबल आइटम्स है उनके एस्टिमेट बनाकर तुरंत प्रभाव से हमें भेजेंगे कि वो ग्रांट भी आप लोगों के बीच आ जाए, चाहे कोई कच्ची गमी हो, चाहे कोई खेतों का रास्ता हो, चाहे स्टेडियम के अंदर मनरेगा के तहत काम कराने की बात हो, चाहे आपके सीएचसी के अंदर फैसिलिटीज देने की बात हो, ये सारे काम भी तुरंत प्रभाव से हम टेकअप करने का काम करें। एक चीज मैं जरूर चाहूँ, ग्रांट का उपयोग कैसे होता है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने अभी नरवाड़ा के 10 गांव लिए, 5 लाख रुपए दिए, एग्जिस्टिंग चौपालों के अंदर हमने लाइब्रेरी बनाई, और ये फायदा है कि इस बार के जो रिजल्ट आएंगे आप देख लेना, हरियाणा में नरवाड़ा के वो 10 गांव के बच्चे कुछ ना कुछ करके दिखाएं। अगर आपकी सहमति हो, अभी तो आपका अंडर कंप्लीशन है, मुझे नहीं पता आर्किटेक्ट ने प्लान क्या किया, ऊपर कमरे बनाएगा, मैरिज हॉल बनाएगा, मगर अगर आप शुरू शुरू में ऊपर की तरफ हमें जगह दे दो तो मैं चाहता हूं कि एक बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी गांव के अंदर हम स्थापित करने का काम करें, जिससे जो हमारी अगली पीढ़ी वो कहीं ना कहीं शिक्षा का लाभ ले पाए। और उसके साथ साथ त्यागी जी को भी कहूँ कि आप अभी कृषि क्षेत्र से जुड़ी क्या यहाँ अपने लेबोरेटरी बनानी है, उसके अंदर जो खर्चा आएगा वो आप एस्टिमेट लगाओ, चाहे उसमें 21 लाख लगे दोनों चीजों में, चाहे 31 लाख लगे, वो मैं मेरे डिस्क्रिशन से दे के आपके यहाँ पर स्थापित करूंगा, जिससे आज हम खाप की बात करते, लोग खाप को कई बार बड़े नेगेटिव तरीके से भी ले लेती, और पीछे कई ऐसी घटनाएं हुई जहां देश भर में खापों के विरुद्ध सोच पैदा करने का प्रयास किया गया। मुझे याद है वो दिन भी जब मैं अमेरिका में पढ़ रहा था और एक बात चली 16 साल की 18 साल की, और उसके अंदर देश भर में ऐसे दिखा दिया जैसे हरियाणा नहीं तालिबान, मगर ये नहीं दिखाते कितनी कुनीतियां हमारी खापों ने खत्म कराने का काम किया, कितने ऐसे बड़े बदलाव जो देश भर के अंदर अब शुरू हुए हैं 20-20, 50-50 साल से हमारी बड़ी खापों ने उन पर निर्णय कर उनको निपटवाने का काम किया। कैसे
मर्डर तक के कोर्ट, बड़े बड़े कोर्ट केसेस को भी जो वकील नहीं निपटा पाए, सामाजिक ताने बाने को जोड़कर हमारी खापों में जोड़ने का काम किया। और उसके अंदर मैं चाहूंगा कि आप पहली ऐसी खाप बने जिसकी एग्रीकल्चर लेबोरेटरी और डिजिटल लाइब्रेरी अगली पीढ़ी को शिक्षा के अंदर, खेती के अंदर भी एक नई तकनीकी अपलिफ्टमेंट उठाव देने का काम करें। और साथ में कोई एक ऐसी चीज, चाहे हमें स्किल डेवलपमेंट मिशन से करना पड़े, चाहे मेरे को CSR से करना पड़े, एक गांव प्रस्ताव करके दे जिसके अंदर जो हमारी माताएं बहनें हैं इनका भी सेल्फ सस्टेनिंग को रोजगार का अवसर हम बना दें। आज भी कंडेला का उससे ज्यादा लगाव जननायक जनता पार्टी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के साथ है। आप सब आए, पूर्ण आप सबका आभार बना। भाई दोस्तों, जिनने वीडियो नहीं देखी हो, वीडियो देख लो, नीचे फोटो होगी उसे क्लिक कर दो, लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो।